एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन लग गए थे, यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में, सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। सोचिए, पहले 1 लाख लोग संक्रमित में होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है, और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, यही वजह है कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ईरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए। और ये भी याद रखिए, इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्थ्य सेवा, उनके हॉस्पिटल, उनके यहां आधुनिक संसाधन पूरी दुनिया में बेहतरीन है, उनकी व्यवस्थाएं बेहतरीन मानी जाती हैं। बावजूद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए। सवाल ये कि स्थिति में उम्मीद की किरण कहां है, उपाय क्या है, विकल्प क्या है? साथियों, कोरोना से निपटने के लिए उम्मीद की किरण उन देशों से मिले अनुभव है जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए। हफ्तों तक इन देशों के नागरिक घरों से बाहर नहीं निकले। इन देशों के नागरिकों ने 100% सरकारी निर्देशों का पालन किया, और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहर आने की ओर बढ़ रहे हैं। हमें भी ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पन्थाः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग, प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। साथियों, भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय हमारे संकल्प को
बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना वचन निभाना